वही अंग्रेजों के अंग्रेज, ये कांग्रेस है किसकी, अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस भी। अंग्रेज तो विपक्ष का काम है, एक बदनाम करने का तो करेगा, इनका बस की और तो कुछ था नहीं, देश तड़ी में दिया बठा, ठीक है, रिबा का तरक्की बचाव है वो इनका बर्दाश्त नहीं। ये तो भाई मोदी सरकार की आलोचना इसलिए कर रहा है, ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है। राहुल गांधी का तो उसके घर में अपमान होने लग रहा है, विदेश में तो कुछ करी जाओ, वो तो बहुत नकली आदमी है, देश निकाल के देखो क्या परेशान नौकरी पे दे रहा है, बेरोजगारी इतनी भारी चरम पे, हरियाणा में उनका राज में जो थी इनने तो बिना खर्ची पर्ची गरीब का बालक भी लगवाया है, और बताओ नहीं तो वो तो लगवाए किन्ने भाई, पैसा दिया करता था कर देना क्या गाना लाग रहा है, एक 20 लाख तेरा दौड़ता तेरा लाग गया हमारा ना लाग रहा है क्या, की कांग्रेस कर बीजेपी एक तरफा सरकार पूर्ण बहुमत है देश की, तो अपने बच्चों की बदनाम नहीं करा अपने देश, जब वो भारत देश का मानना प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देख रहा है और फिर अपने देश की बेइज्जती करता है तो नेता है क्या वो? राहुल गांधी कहाँ के हिंदू हैं, इनका बाप दादा और 2-2.5 एकड़ राम मंदिर की जमीन पर रोना पड़ रहा है, वो 150 एकड़ जमीन, हम हिंदू भाई कहीं भी जाते हैं हमारे को जलूस जलसा निकालते हैं, शोभा यात्रा पत्थरबाजी सब कुछ करते हैं। अब हम गोयला कला से धनखड़ भाई हर धनखड़ भाई ने जतावांगे, ये कुल दिवस नहीं थी के मना करा था आगे के वो घंटा करेगा, धनखड़ भाई की जिंदाबाद, धनखड़ भाई धनखड़ ने जताऊंगा। क्या नाम? राहुल। राहुल जी 10 साल कांग्रेस हुडा की सरकार और 10 साल बीजेपी की सरकार कैसे देखते हैं? बहुत खराब काम करे, काम कुछ करे नहीं भाई, यो वत्स वत्स कुलदीप वत्स, कुलदीप वत्स ने कोई काम नहीं है, किसी गांव में नहीं गया, अपने घर पर रहा, कोठी बना वाला रहा, नई कोठी बना वाला। नमस्कार जी, चैनल के माध्यम से मैं मनदीप शोरण गांव खुंगवाई से ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, और हमने जैसे कि देखा है कुलदीप वत्स ने तो भाई इस एरिया का कति नाश कर दिया, कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का विधायक उसने तो इसका कति नाश कर दिया इस एरिया का, पब्लिक का सारा रुपया लूट कर खा गया, अपनी कोठी बनाने लाया रहा वो तो भाई, इवन ना हुड्डा साहब ने न जो लोगों की जमीन हड़पी है लेकर 22 लाख रुपये के इसमें किले के सिकट के साथ जमीन ली थी, ईव आज वे 22 लाख का 22 गज जमा दे हैं, लाख रुपये गज के साथ जमीन बेचना इतना नाश कर दिया, हर आदमी किसान आदमी आ गए, बहुत साथ में मार बगेरी है, ठीक है आर्थिक मार के साथ डाली है, किसान इतने परेशान हो रहे हैं, सारे युवा जो भी ग्रामीण क्षेत्र है सारे सब ये चाहते हैं भाई अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताओ, क्योंकि उन्होंने दम जनता के लिए 5 साल जो काम किया है, उन्होंने कैसे कौन सा काम किया धनखड़ साहब ने, तो हर गाँव में इतने विकास किया, जितने भी सामाजिक काम है, गली चौपाड़ नाले हॉस्पिटलों की जितनी व्यवस्था थी धनखड़ साहब ने जितनी व्यवस्था की, इतनी किसी ने विधायक ने नहीं किया आज तक हमारे यहाँ पे, 5 साल धीरपाल जी रह लिए थे हमारी याद में, हम छोटे छोटे थे, हमने उनका भी देखा था काम, उन्होंने भी नहीं किया था, हमारे बादली हल्के में आज तक ओम प्रकाश धनखड़ जी ऐसे विधायक आए थे जिन्होंने भाजपा जी, उन्होंने हर व्यक्ति का सामाजिक तौर पे कोई भी आदमी गांव का बड़ा बुजुर्ग कोई भी पहुंचो सभी के कति तय दिल से एक समानता के आधार पर काम किया, खिलाड़ियों के लिए भी, युवा साथियों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी के चेहरे दिल जान से काम किया उन्होंने। हम जब कांग्रेस की सरकार देखते हैं 10 साल का डेवलपमेंट और भाजपा का, इसमें क्या देखते हैं, कौन कौन भारी है और कौन कमजोर है? 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीते है कौन नहीं, 8 तारीख को पता चल जाएगा, बिल्कुल सरेआम दिखाई देगा जाए सबको, शीशे में शीशे की तरह साफ हो जाए सब कुछ। बात करते अच्छा, राहुल गांधी जाके विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं, इसको उसका तो राहुल गांधी का तो उसके घर में अपमान होने लग रहा है, विदेश में तो कुछ करी जाओ, वो तो बहुत नकली आदमी है, कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है भारत का, वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, सारा सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया, क्या उन्होंने नहीं किया देश बर्बाद, कितने खजाने निकले उनके लूटे हुए सबके घरों में, ऐसे कई कई करोड़ रुपए मिलते हैं कई कई हजार, इन्होंने इनके घरों में से नहीं निकलते पैसे, इन्होंने अपने जनता में पैसा लगाया है, जनता के काम किए हैं, उन्होंने सिवाय झूठ के राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम का हिंदू को हम कमजोर बता रहे बार बार, गद्दार बता रहे, हिंसक बता रहे, क्यों वही है क्या, उन्होंने उनकी दादी मुसलमान, वो मुसलमान उनका कोई खानदान नहीं है, कोई खानदान उनका, कभी पंडित बना है कभी कुछ, कट्टर हिंदू भाई कौन हिंदू है, वो राहुल गांधी कहाँ के हिंदू हैं, इनका बाप दादा और 2-2.5 एकड़ राम मंदिर की जमीन पर रोना पड़ रहा है उनका, वो 150 एकड़ जमीन दिल्ली में नहीं बैठे,
150 करोड़ में उनकी समाधि बनेगी, जहाँ सबसे महंगी जमीन उसके ऊपर कब्जा करे बैठे हो। बोला 45 एकड़ में नेहरू की समाधि बनेगी, वो 45 एकड़ में समाधि बनेगी उसकी। हाँ हिंदू क्यों, कौन नहीं मानता देवता, ये तो है उसमें सबसे बुरी आदत। तो जब अपने देश की तो अपने बच्चों की बदनामी करा अपने देश, जब वो भारत देश का मानना प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देख रहा है और फिर अपने देश की बेइज्जती करता है तो नेता है क्या वो? लेकिन हुड्डा साहब ना जी, हुड्डा उसका दादा ने गद्दारी करी, रणबीर हुड्डा ने हमारे नेता मरवाइए, भगत सिंह मरवाया। यदि यह कांग्रेस की उस टाइम पर आते तो मन कर हमारे नेता मेरा शहीदों का फांसी नहीं टूटती, जो इनके दादा ये एक ओर बैठ के कूड़ में जा गए। हाँ उठा के बाप ने रणबीर उठा नहीं, कांग्रेसी चाहिए भी नेता था उस टाइम के, तो इन्हें ये इन्हीं के मरवाए हो रहे हैं। मना जब जमता हमारा देश हमारा सब कुछ हमारा, तो हमारे शहीदों को क्यों फांसी टूटी तोड़वाई जा रही? यदि इनमें ताकत होती तो एक तरफा कहते नहीं फांसी नहीं टूटेगी, तो फांसी नहीं टूटती उनको क्या? ये कांग्रेस हो गई उनके माध्यम से, वही अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज, ये कांग्रेस है किसकी? अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस भी। अरे अंग्रेजों से तो आजादी दिलाई थी कांग्रेस किसने? नहीं, कांग्रेस ने कोई राजी नहीं दी। किसने दिलाई? ये चमचे पिट्ठू हैं, ये भगत सिंह ने बोस ने इन्हें आजादी दिलवाई, अपनी आजाद हिंद फौज ने मारने वो करा दिया ना, अपनी अपनी हिंदुओं के भाइया ने उन्होंने, ये तो वही उनके गुण गा रहे थे। आज भी तो जाके उन्हीं के गुण गा रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी है एक अंग्रेज क्या? तो मंदिर मंदिर जाता है यार, सबसे बड़े हिंदू वही है। कौन? राहुल गांधी। नहीं नहीं, राहुल गांधी कोई हिंदू नहीं, उनके पूछ लो, उनके पोटी पत्र उठा के देख लो, कौन सा खानदान हिंदू का इनका? ये मतलब हिंदुओं को बरगलाने के लिए मुस्लिम अपना वो हिंदू नाम रख लिया हिंदू के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब इसमें हमारे साध्य गांधी बाबा ने गोद लिया था राहुल गांधी। हाँ गोद लिया तो फिर खून हो गया उसका, गांधी कौन सा बल्ला, गांधी भी शायद था और क्या उसने मतलब 75 करोड़ बोला पाकिस्तान को दे दो, हिंदू मुसलमान यहाँ रख दे, बंटवारा हो गया भाई मुस्लिम वहाँ हिंदू यहाँ, तो भी वो मतलब यही बना यही रह जाएंगे और फिर उनको 75 करोड़ रुपया दो किस बेस पे? ये बंटवारा हो गया आज मुसलमान, हम हिंदू भाई कहीं भी जाते हैं हमारे को जरूर जलसा निकालते हैं, शोभा यात्रा पत्थरबाजी सब कुछ करते हैं। बहुत सारा अंतर है भाई साहब, इन जो काम करवा देवे ना तुम तक दे काम हो और ना के मोर देश। अभी कांग्रेसी के यहाँ विधायक बस कह रहा है कि हमने 30 फैक्ट्रियां देश गुलाम करवा दिया, क्या की फैक्ट्री लगवा दी, आप परसेंटेज निकाल के देखो क्या परसेंट नौकरी में दे रहा है, बेरोजगारी इतनी भारी चरम पे हरियाणा में उनका राज में जो थी, इनने तो बिना खर्ची पर्ची गरीब का बालक भी लगवाया है, और बताओ नहीं तो वो तो बहुत नौकरी लगवाए हैं किन्ने भाई, पैसा दिया करता का दला के अर्धना के गाना लाग रहा एक 20 लाख तेरा दौड़ता तेरा लाग गया हमारा ना लाग रहा आगे कितना लाग गया 20 लाख था ना 12 लाख है दे कितने जमीन भाई, पैसा तो सब बगा लाग गया तेरे बिना पैसा को लाग रहा, मेरे तेरा पूछवा दे एक आदमी की अगर जो आदमी बिना पैसा दे फ्री में काम करवा रहा है, एक आदमी ने ला दो कांग्रेसी तो कह रहे हैं नीचे से पैसा इस समय भी लिया जा रहा है। कांग्रेस तो विपक्ष का काम है, एक बदनाम करने का तो करेंगे, इनका बस की और तो कुछ था नहीं, देश तड़ी में दिया बैठा ठीक है, रिबा का तरक्की बचाव है वो इनका बर्दाश्त नहीं, ये तो भाई मोदी सरकार की आलोचना इसलिए कर रहा है, ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है, देश हित में इनका बढ़िया नेता नहीं है। लेकिन बाहर यह हवा है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में जीत, ना 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 बाहर बूर को ना ये झूठिया बुआ है, जेका था जो उनका खास जो चेला चमटा है न वे बता रहे हैं ये बात साहब, कोई हवा कोई तवा कोई जकराना है, कोई कहता चेला चपट्टा वो बेच सके, जो भगत जी ने कह दिया अगर कोई गणती ना हवा की क्या की कांग्रेस कर बीजेपी एक तरफा सरकार पूर्ण बहुमत है, आपने को जो कांग्रेस आ रही है कि लोग बाहर जो है दिल्ली बाहर बूर सब अफुआ जी सब अफुआ, हाँ के धन करना गोली भाई सीधी बात से धनखड़ साहब ने ना करा तो फिर करे भी कौन है, ये कभी कभी लाइव चल रहा है, हम नोट करो जो नहीं हो रहा हूँ तो उरे पकड़ लो, ये कहन तो लग रहे तो कर बादरी तहसील बनवा रखी है, कोई धनखड़ का कोई नहीं बनवा रहा काम है, अरे मैंने कोई ये लाइव कहना लग रहा सुनो मना तो करोगे ना कर रहा क्या
काम तो जनता से पूछना है। 500 होता क्या? कांग्रेस तो झूठ बोल रही है कि भाजपा का दया जनता अड़क खड़ी है। धनखड़ साहब जनप्रिय मिलन सर और बड़ा अच्छा नेक इंसान है, समाज में बहुत काम करवाया है और आगे भी करवाऊंगा। ठीक है, हमने धनखड़ साहब तो बढ़िया नेता मिला ही नहीं अपना क्षेत्र में, कोई और कोई जाओ थी फिर हमसे। धनखड़ साहब बोल, धनखड़ साहब जिंदाबाद।